हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी मैजिक वाली क्रीम लेके आई हूँ ना, जिसे आप 7 दिन तक यूज़ कीजिए और 7 दिन में ही आपको आपकी स्किन पे एक अच्छा सा ग्लो नज़र आएगा। और इस क्रीम को कैसे यूज़ करना है वो सब मैं आपको बताऊँगी। और इस क्रीम को हाँ, सभी स्किन टाइप्स वाले यूज़ कर सकते हैं। ऑयली स्किन, ड्राई स्किन, सेंसिटिव स्किन, नॉर्मल स्किन वाले, सभी स्किन वाले ट्राई यूज़ कर सकते हैं। और इसे बनाना कैसे है, चलिए पहले तो हम आपको वो बता देते हैं। इसे बनाना बहुत ही ईजी है, कोई भी सामान आपको बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, एलोवेरा जेल। मैंने यहाँ पर पतंजलि का एलोवेरा जेल लिया है और ये केसर वाला एलोवेरा जेल लिया है। और यहाँ लिया है मैंने ग्लिसरीन और गुलाब जल। यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगी, अगर आपकी स्किन को ग्लिसरीन सूट नहीं करता है ना, तो आप इसे अवॉइड कीजिए, ज़रूरी नहीं है। लेकिन हाँ, मुझे सूट करता है, मैं यहाँ पे ले रही हूँ। और ये क्रीम मैं 15 दिन के लिए बना रही हूँ। और यहाँ लिया है गुलाब जल और ये है बादाम का तेल। बादाम का तेल भी हम यहाँ पर लेंगे और साथ में हम ले रहे हैं कोकोनट ऑयल। चलिए अब इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। बनाना बहुत ही ईजी है। हम यहाँ पर 1 चम्मच एलोवेरा जेल लेंगे, ग्रीन वाला। अगर आपके पास केसर वाला एलोवेरा जेल नहीं है, कोई बात नहीं, आपके पास ग्रीन है ना, तो आप ग्रीन ले सकते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर मैं एक बात आपको साफ साफ बता देना चाहती हूँ कि आपके पास जो एलोवेरा की लीफ होती है, हमें वो फ्रेश एलोवेरा जेल नहीं चाहिए, हमें मार्केट वाला ही एलोवेरा जेल चाहिए, क्योंकि हम इसे स्टोर करके रख रहे हैं 10 से 15 दिन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच ग्रीन एलोवेरा जेल लिया है और 1 चम्मच ही मैं यहाँ पर केसर वाला एलोवेरा जेल लूँगी। और उसके बाद हम यहाँ पे ग्लिसरीन ऐड करेंगे। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि अगर आपकी स्किन को ग्लिसरीन सूट कर रहा है तो आप लीजिए, और नहीं करता है ना तो बिल्कुल मत लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है। मेरे को सूट करता है तो मैं यहाँ पे ग्लिसरीन लूँगी। लेकिन हाँ, ग्लिसरीन मुझे कितना चाहिए, सिर्फ 8-10 बूंद, मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, आधी चम्मच से भी बहुत ही थोड़ा सा। तो चलिए हम ग्लिसरीन ऐड कर ले रहे हैं इसमें। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे गुलाब जल। गुलाब जल आप कितना लेंगे, 1/2 चम्मच। इसमें हम 1/2 चम्मच गुलाब जल ले रहे हैं। ये मैं सिर्फ 15 दिन के लिए बना रही हूँ। अगर आप 1 मंथ के लिए बनाना चाहते हैं तो आप इसकी जो क्वांटिटी है वो डबल कर लीजिए। तो 1/2 चम्मच मैंने गुलाब जल लिया है और इसमें हम मिलाएंगे अब बादाम का तेल। बादाम का तेल हम यहाँ पे कितना मिलाएंगे, देखिए सिर्फ 4 से 5 बूंद, ज़्यादा नहीं मिलाएंगे। और हाँ, यहाँ पर अगर आपकी स्किन ना ज़्यादा ही ड्राई है तो आप इसकी जो बादाम के तेल की क्वांटिटी है उसे बढ़ा दीजिएगा, यानी कि 5 बूंद से ज़्यादा आप 7-8 बूंद ले सकते हैं। मैं यहाँ पे 4 से 5 बूंद ले रही हूँ, ठीक है। और उसके बाद हम लेंगे कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल भी हमें उतना ही चाहिए जितना हमने यहाँ पर बादाम का ऑयल लिया है, यानी कि 4 से 5 बूंद, ठीक है। और चलिए हम फटाफट से इसको भी मिक्स कर लेते हैं इसके अंदर। तो हमने 4 से 5 बूंद हमने यहाँ पे कोकोनट ऑयल की ले ली हैं। और इसके बाद जो हमारी लास्ट चीज़ है वो है विटामिन ई कैप्सूल। अगर आपके पास विटामिन ई कैप्सूल है तो डालिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, ये क्रीम इस तरह से भी बनकर बिल्कुल ही तैयार हो जाएगी। और हाँ, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा। तो यहाँ पे मैं विटामिन ई का सिर्फ 1 कैप्सूल ले रही हूँ। अगर आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई है तो आप 1 की जगह 2 कैप्सूल इसमें ऐड कीजिए, हैं तो नहीं है कोई बात नहीं, यहाँ पे जो बादाम का तेल और हमने कोकोनट ऑयल है उसकी क्वांटिटी आप बढ़ा लीजिए। अगर आपकी स्किन ज़्यादा ड्राई है और आपकी स्किन ऑयली है तो इसकी जो क्वांटिटी है वो थोड़ी ही रखें, यानी कि 4 से 5 बूंद। अब इन सबको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्सिंग पे यहाँ पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है आपको, इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है। हमें इसको इतना मिक्स करना है कि जेल की तरह दिखने लग जाए। आप देख सकते हैं मैं इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ और इसको हमें बिल्कुल जेल की तरह तैयार कर लेना है। देखिए कितना अच्छा सा बन के हमारा जो क्रीम है वो तैयार हो गई है। अब इसे हम लगाएंगे कैसे, ठीक है, चलिए वो भी हम आपको बताएंगे। हमारी क्रीम बिल्कुल बनके तैयार है और इसके जो फ़ायदे हैं वो ये कि ये आपकी पिगमेंटेशन, दाग धब्बे और जो भी मतलब आपकी स्किन प्रॉब्लम्स है ना, उसको सबको दूर करेगा। इसे आप अगर रात में लगाएं ना, सोने से पहले थोड़ी सी मसाज कर लें अपने फेस पर, तो इसका आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। और हाँ, ज़रूरी नहीं कि आप रात को ही लगाएं, इसे आप नहाने के बाद,
सुबह भी लगा सकते हैं अपने जब स्किन केयर करते हैं ना तब। तो ये मैं दो टाइम यूज़ करती हूँ, एक सुबह के टाइम में और एक रात को सोने से पहले। हल्की सी मसाज कर लेनी है सिर्फ एक मिनट तक, और अगर आपके डार्क सर्कल है तो ये उसको रिमूव करने का बहुत ही अच्छा काम करती है। आपको क्या करना है, थोड़ा सा लेना है और आँखों के नीचे यहाँ पे डार्क सर्कल होते हैं वहाँ पे मसाज कर लेनी है आपको, और रात भर आपको इसी तरह से छोड़ देना है। आपको फेस नहीं धोना है रात में, इसी तरह से स्क्रीन को छोड़ दीजिए। उसके बाद 7 दिन के अंदर अंदर आपके आँखों के जो डार्क सर्कल होते हैं आँखों के नीचे वो एकदम गायब हो जाएंगे। फ्रेंड्स, आज की आपको मेरी ये होम रेमेडी कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताइएगा।